के लिए आप एक बार एक हफ्ता ये तरीका इस्तेमाल करके देख लो, सिर्फ पानी के साथ बवासीर का इलाज। किसके साथ? पानी के साथ। एक गिलास पानी को कोशिश करो कि मैंने 100 घूंट में पीना है। कितने घूंट में? 100 घूंट में। यकीन जानो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, इसको भर दो, बहुत सारे लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब वो जो पानी घूंट घूंट पीने का आपका तरीका है ना, बड़ा फायदा होता है उससे। ये जिसको गेंटिया था ना, वो गेंटिया वाला भी यही इलाज करे, जिसको बवासीर है वो भी यही इलाज करे, और जिसको कब्ज है, जिसको कब्ज वो भी यही इलाज करे। ये पानी है, इसको हमने 100 घूंट में पीना है। कितने घूंट में? 100 घूंट में। देखो सुन्नत तरीका ये है, इसको सीधे हाथ से पकड़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, 3 सांसों में पियो, ठीक है, और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये है सुन्नत तरीका, बैठ के पीना, सीधे हाथ में पकड़ के पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना, 3 सांस में पीना, और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ये क्या है? ये सुन्नत है। ये 100 घूंट जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा तजर्बा है, ये मेरा तजर्बा। यकीन जानो जितने लोगों को कहते हैं ना, जब तक 7-Up ना पियो तो गैस नहीं निकलती, ऐसे पानी पियो आपको ऐसे डकार आएंगे जैसे आपने 1 नहीं 3 7-Up पी ली। कैसे पीना है ये जरा देखिएगा, बिस्मिल्लाह। कितना पानी पिया? और घूंट कितने भरे? गिने किसी ने? 30 करीबन, 38 घूंट भरे मैंने। कितने? 38 घूंट। देखो ये सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई बंदा पीने वाले बर्तन में सांस ना ले, तो इसका मतलब है सांस को क्या करना है? रोकना है। क्या हम इसे रोकते हैं? अच्छा इसके पीछे लॉजिक समझो। अच्छा एक है, ऐसे मैंने पानी पिया 38 सिप में, और आप लोग इतना पानी पता कैसे पीते हो? दो एक की सारा ग्लास। इसको 3 एंगल से देखना है। पहला एंगल, इब्ने खल्दून ने तारीख लिखी, वो अपनी तारीख के मुकदमे में लिखते हैं कि जो शख्स जिस जानवर की तरह खाएगा और पिएगा वो वैसे ही बन जाएगा। जो शख्स जिस जानवर की तरह खाएगा और पिएगा, मेरे मोहतरम भाइयों, इब्ने कय्यम ज़ादुल माद के अंदर लिखते हैं, जो पानी को चूस चूस के पिएगा वो अपने बदन की सारी बीमारियां बहा के ले जाएगा, और जो पानी घट घट करके पिएगा वो अपने बदन को बीमारियों से भर लेगा। इस तरह पानी कौन पीता है? चिड़िया। इस तरह पानी कौन पीता है? चिड़िया। अच्छा जो बेहतरीन पतली कमर वाले जानवर हैं, जैसे शेर है, चीता है, लेपर्ड है, हरन है, बिल्ली है, ये पानी कैसे पीते हैं? जुबान लगाते हैं, फिर उठा लेते हैं, फिर लगाते हैं, फिर उठा लेते हैं, फिर लगाते हैं, फिर उठा लेते हैं। उनकी कमर पतली है। और जो जानवर डीक लगा के पानी पीते हैं, जैसे गाय, बैल, ऊंट, जराफा, गेंदा, वो पानी कैसे पीते हैं? इधर मुझे क्या आया? जो जानवर डीक लगा के पानी पिएगा उसका पेट उतना फूल जाएगा, और जिसका पेट फूलेगा, मेरे मोहतरम भाइयों, कभी भैंस को देखो, गाय को देखो, जब वो स्टूल पास करेगी तो उसके जो रिएक्टम के मसल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? बाहर निकल आएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, जब आप पानी को ऐसे चूस चूस के पीते हो ना, तो आपके मुंह में सिलिवरी ग्लैंड है। आपके मुंह में क्या है? सिलिवरी ग्लैंड है। उनमें से एक सेक्रीशन निकलती है जिसको सलाइवा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ये वो सलाइवा है जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें खराब हुई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आंखों पे क्या लगाया था? वो याद है, एक सहाबी की आंख पे तीर लगा, डेला बाहर आ गया, तो नबी सल्लम ने क्या लगाया था? एक वाक्य अक्सर सुनाया जाता है, गारे सौर में इब्राहिम अबू बकर सदीक को जब सांप ने काटा था, ये वाक्य कहते हैं सनद के तवार से सही नहीं, लेकिन मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जब वहाँ पे सांप ने अबू बकर सदीक को काटा तो नबी सल्लम ने क्या लगाया था? अच्छा, उस लुआबे दहन से उनकी आँख ठीक हुई? मेरे मोहतरम भाइयों, ये सलाइवा नहीं है, इसमें 18 दवाइयाँ हैं। इसमें कितनी दवाइयाँ हैं? अब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। कभी जानवरों को ज़ख्म हो जाए तो वो ज़ख्म पे क्या करते हैं? वो चाटते नहीं हैं, उस पर दवाई लगाते हैं। उस पर क्या लगाते हैं? ये जो पानी ऐसे घूंट घूंट करके पिया तो मैंने उस पानी के साथ अंदर क्या लेके गया? ये जो 32 बार चबाने के पीछे कॉन्सेप्ट है, भाई साहब 32 बार चबाओगे तो वो सलाइवा के 32 ड्रॉप उसमें शामिल होंगे। और ये सलाइवा में 18 किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं, और आप हैरान होंगे, मट्टी के जितने इंग्रेडिएंट्स और इस सलाइवा के जितने इंग्रेडिएंट्स, ये दोनों 100% इक्वल है। यानी जो मेरे जिस्म को चाहिए वो सारे का सारा किस में है? सलाइवा में। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम खाने को चबाते, और ये जो सलाइवा है ये मोकों को ऐसे झाड़ता है, ये अल्कलाइन है। ये क्या है? अल्कलाइन है। और जब आपके जिस्म में तेजाबियत बढ़ती है, एसिड बढ़ता है, तो उसकी वजह से आपको बवासीर भी होती है और मोके भी होते हैं। तो अगर हम एक लुकमे को 32 बार चबाएं और एक गिलास पानी को कितने घूंट में पिए, यकीन जानो आप करके देख लो, 100% आप ठीक होंगे, 100% आप ठीक होंगे। और इसके अलावा एक गिलास पानी लो, उसमें एक चम्मच इस्बगोल का छिलका डालो, एक चम्मच तुखमलंगा डालो, एक चम्मच उसमें जैतून का तेल मिलाओ, और 2 बड़े चम्मच उसमें गुड़ मिलाओ। इसको 2 से 3 घंटे भिगा रहने दो, और इसको आधा सुबह नाश्ता करने से 1.5 घंटे बाद आधा ये और आधा पानी उसमें डाल के उसको अच्छी तरह शेक करके ये पियो। ये बवासीर का बेहतरीन, मसों को झाड़ने का बेहतरीन इलाज। और इसके अलावा रात को 7 अंजीर लो, पानी के अंदर उसको डिप करो, सारी रात उसी पानी में पड़ा रहने दो, सुबह उसी पानी में ग्राइंड करके निहार मुँह ये लो, बेहतरीन इलाज। इसके अलावा ये जो गन्ने का रस है, गन्ने का रस, एक गिलास गन्ने का रस लो, 6 अंजीर लो, 2 अंजीर पहले खानी है, फिर गन्ने का रस पीना है, फिर 2 अंजीर खानी है, फिर गन्ने का रस पीना है, और एंड पे फिर 2 अंजीर खानी है। 3 दिन ये करके देखो, इसका बेहतरीन इलाज। और इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, अंजीर को जैतून के तेल में डिप कर लो। अभी आपके यहाँ गुजरात के एक भाई गया, वो कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं सऊदीया से आया हूँ सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने। कहता मुझे इतनी पुरानी बवासीर थी कि मैं दवाइयाँ खा खा के तंग आ गया था, मैंने सिर्फ 3 दिन, आपने वो एक यूट्यूब पे बताया कि अंजीर को जैतून के तेल में डिप कर लो, 2 अंजीर सुबह, 2 दोपहर 2 शाम, मैंने सिर्फ 2 दिन वो खाई और मेरे मौके झड़ गए। इसको इस नीयत से लेना है, इस नीयत से लेना है कि जैतून की अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान में, और अंजीर के अल्लाह सुबहान तआला ने, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैतून को खाओ भी पियो भी और इसको इसका मालिश भी करो क्योंकि ये मुकद्दस रख का तेल है, और अंजीर खाओ क्योंकि ये जन्नत के मेवों में से एक मेवा है। 1 साल का बच्चा है, डब्बे का दूध पी रहा है, डॉक्टर कहते हैं गाय या भैंस के दूध से एलर्जी है, अगर दूध पीता है पखाने उल्टियाँ लग जाती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसे बच्चे आप लोग क्या करो, आप सबसे पहले गाय का दूध लो 1 हिस्सा, और उसमें 3 हिस्से पानी मिलाओ, 1 हिस्सा गाय का दूध और 3 हिस्से पानी मिलाओ, और उसमें सौंफ और सब्ज इलायची मिलाओ, सौंफ और सब्ज इलायची मिलाओ। इसकी क्वांटिटी, ये वाला पानी छान के, जो सौंफ और इलायची जिसमें 1 हिस्सा दूध और 3 हिस्से पानी है, उसको पहले ये दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन यही दो। 5 दिन अगर वो दूध सूट कर गया तो अब 1 हिस्से की बजाय 2 हिस्से दूध कर लो, फिर 5 दिन दो, फिर 2 की जगह 3 हिस्से कर लो, फिर 5 दिन दो, फिर उसके सारा दूध कर लो, इंशाल्लाह ये कभी एलर्जी नहीं होगी।